हे व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका फ्रेंड विक्की आपके अपने चैनल विक्की की मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आप थंबनेल देख के पहचान ही गए होंगे कि प्यार का पंचनामा जो एक बहुत ही अच्छी मूवी थी हम जैसे लौंडो के लिए, उस मूवी का एक डायलॉग था जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। हाँ दोस्तों, उसी डायलॉग पे मैं करने वाला हूँ रिएक्शन और देखेंगे कि हमारी क्या राय है उस डायलॉग के बारे में और लड़कियों के बारे में। तो एक बार देख लेते हैं, फिर पता लगेगा कि मतलब कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। और आई थिंक मेरे को तो बहुत पसंद आया था उस समय, आई थिंक आपको भी पसंद आएगा। काफी पुराना है बट अभी भी तरोताजा है क्योंकि ये चीजें कभी भी खत्म नहीं होती हैं। तो ये हमारा रजत जी की स्पीच है जो 5 मिनट की थी, कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप बोले थे और बहुत ही तगड़ा बोले थे ना, और रियलिटी बताई थी कि एक्चुअली क्या होता गया है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जाओ और जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, हियर वी गो। इधर नेहा के साथ क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? वो आई थी सुबह। क्या बोली? यही कि तू बात नहीं कर रहा है, ऑल दैट। क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट, शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज शी नोज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलती है मन करता है मुंह में कुछ छोड़ दूं। उसमें यार 6 महीने में हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काहे की खुशियां? रिलेशनशिप का मतलब ही होता है इनटू योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़की को ना कोई खुश नहीं रख सकता। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, साला जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती रही तुम तो कुछ करते नहीं हो, ना कारा हो ना पुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया उस दिन बोली तुम तो बैटमैन बन गए, अरे मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। सब सालाना कहानियों का दोष है, लड़ी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, हग किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। साली शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, पहले कुशन जाए फिर कर्टेन जाए, फिर कुशन कर्टेन से मैच नहीं किया तो और कुशन जाए। साले मग इतने हैं मेरे यहाँ कि उन्हें बेचने जाऊं तो महीने का खर्चा निकल आए। एक तो जो चीज खरीदने जाएंगे वो चीज खरीद के नहीं आएंगी, 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है टेबल लेना है, 5 घंटे मॉल में बिता के एक सड़ी सी चप्पल उठा के लाएंगे, और फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते ही बोल देता हूँ बात नहीं कर सकता, कितना मुश्किल है बात समझना। 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। और इसके बाद आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो नाटक। सबसे ज्यादा दिमाग की दही इस मोबाइल फोन ने किए, कतई घटिया इन्वेंशन है साली, कॉन्स्पिरेसी पट्टा है साला पट्टा। एक तो उनके ऐड भी देखो ना, लो जी 1 पैसे पर सेकंड और फोन करो और फोन करो। अरे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती, करने को फिर इसका जवाब उन्हें भी दो, तुम्हारे पास बात क्यों नहीं करने को, यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी, तुम्हें हूं हूं ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया। अरे मेरी माँ, मुझे क्या पता तूने मुझे फोन क्यों किया, जाके भारती मित्तल से पूछना। भारती मित्तल, तुझे मैं बता रहा हूँ उस एड में ना वो कुत्ता नहीं कुतिया है, सीरियसली शर्त लगा सकता हूँ। वेरेवर यू गो वी फॉलो। तुझे क्या लगता है कोलम उसको पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा, गलती से पहुंच गया? नहीं, उसको पता था, वो बेचारा तो कहीं दूर जाना चाहता था, बीवी के चक्कर में बोलना पड़ा इंडिया जा रहा हूँ, नहीं तो 10 सवाल पूछती कहाँ जा रहे हो क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं कहाँ जा रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो, आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती है दुनिया। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, SMS आ जाएगा आई लव यू, ठीक है मैं भी SMS कर देता हूँ आई लव यू टू। इसके बाद SMS पे SMS शुरू। अबे काम क्या करती है ऑफिस में, 2 SMS का रिप्लाई मत करना तुरंत फोन आएगा, फोन मत उठा तो 10 मिनट में मैसेज आ चुका होगा आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब पता चला ये आदमियों को इतने हार्ट अटैक क्यों आते और ये बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते, बिकॉज दे डोंट हैव अ वुमन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस ना। लोग कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू, बट कोई ये नहीं बताता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन ऑल्सो देयर इज अ वुमन। और ये तो कोई भी बता सकता है ना कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कई गुना ज्यादा है इस दुनिया में। चला ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा तो खाना नहीं खाएगी फिर भूखी सो जाएगी, अरे मैं कह रहा हूँ खा लो तो दिक्कत, क्या करूँ नौकरी छोड़ दूँ, फिर साले घर जाओ पहले इन्हें मनाओ इन्हें खिलाओ, इनके बाद खुद की भूख तो वैसे ही मर जाती है। इस सब के बाद भी अगर इंसान किसी तरह कोने में जाके शांति से बैठा हुआ है ना चुपचाप, तो क्या घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, ये सोच रहा हूँ तेरा मुंह कैसे बंद करूं, क्या सोच रहा हूँ कैमरा लगा दूं दिमाग में। इस सब के बाद वी नेवर टॉक, वी नीड टू टॉक, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर।
मैं तुझे बता रहा हूँ, यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन बिकॉज दे कॉल इट अ डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट में तो तू बॉस उनसे जीत ही नहीं सकता, बिकॉज हम आदमियों की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट। लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सेंस इसी बेकार सी चीज की वजह से वो आर्ग्यूमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की बात पे आर्ग्यूमेंट आज होगा ही नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद। यहाँ साला याद भी नहीं होता है 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियां बचा के रखती है, ये छोटा हथियार नहीं बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। अरे तू कभी ट्राई कर लियो खुद को सही साबित करने की, तुझे लग ही रहा होगा कि इस पॉइंट से तो अपनी बात को साबित कर लेगा, लेकिन तभी एक आवाज आएगी, उंगली नीचे करो। तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा लेकिन तेरी एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, एंड सडनली द होल आर्गुमेंट विल फ्लश डाउन द गटर और मुद्दा ये रह जाएगा, हाउ डेयर यू पॉइंट अ फिंगर एट मी, किसने बनाया रूल, किसने साला वो बीच आर्गुमेंट में तुम्हें जूता फेंक के मार दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम उनकी तरफ एक उंगली पॉइंट कर दो सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत। शादी के पहले वो नागिन मीन क्यों बचता है, क्यों बचता है, क्योंकि ना बैंड वाला भी तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, इनका सिग्नेचर ट्यून है वो। अब ये बता वो क्या करने आई थी तेरे पास यार, सेम चीज मैं करूँ तो उसके किसी फ्रेंड को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स गिनाऊं तो कहेगी अच्छा तुमने मेरी फ्रेंड को कॉल किया, तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर, इट्स रिडिकुलस यार। वो उंगली वाला मेरे साथ भी हुआ है। दोस्तों ये मूवी है प्यार का पंचनामा, जो मूवी थी ना इसपे हमारे जो एक्टर थे इन्होंने स्पीच इतनी अच्छी थी, इतनी बड़ी दी है। ये क्या हो जाता है कि एक लड़की के साथ अटैच होते हैं और उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं, और वो भाई इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो चुप रहते रहते उसको मौका मिलता है कि आज मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूं, और उसकी जो फ्रस्ट्रेशन निकलती है ना भाई नॉन स्टॉप। पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी आपको गुस्सा आएगा और अंदर से आप ना चुप रहोगे ना, वो भरता रहता और एक मोमेंट ऐसा आता है ना कि आप उस टाइम गुस्से में इतना बोलते हो वो आपकी सारी भड़ास निकल जाती है। तो यही होता है और समथिंग और एक और केस होता है, अगर सपोज आप कोई दुख है आपको और वो दुख को आप रोके जा रहे हो तो एक टाइम आएगा ना आपका दुख भर जाएगा, आप इतना रोगे ना आप एकदम रिलीफ हो जाओगे। यही होती है भड़ास निकालनी, तो वही इन्होंने वैसे भड़ास निकाली और मेरे को तो बहुत अच्छा लगे ये इनका पूरा कॉन्सेप्ट और डायलॉग। आई थिंक होप करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो जाओ लाइक करो वीडियो को, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।